वहीं गढ़ी सांपला किलोई से बीजेपी उम्मीदवार सतीश नांदल और उनके बेटे संचित नांदल ने अपने हलके में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस दौरान सतीश नांदल ने भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वायरल वीडियो में 14 सीटें बताकर भूपेंद्र हुड्डा ने पहले ही हार मान ली है। गढ़ी सांपला किलोई से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश नांदल, उनके बेटे संचित नांदल हलके में प्रचार शुरू कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वायरल वीडियो में 14 सीटें बताकर भूपेंद्र हुड्डा ने पहले ही हार मान ली है। अब जनता मन बना चुकी है कि अब की बार गढ़ी सांपला किलोई में खिलेगा फूल। वोटर कर रहे हैं 21 तारीख का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश नांदल ने अपने प्रचार में ताकत झोंक दी है। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के पास कहने को कुछ भी नहीं है। शुक्र है उनका नामांकन भरा गया, वरना पार्टी में इस तरह की कला चल रही है कि उन्हें टिकट मिलने में भी संशय हो रहा था। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल हुआ है, उससे भूपेंद्र हुड्डा पहले ही हार मान चुके हैं। जनता सब जानती है, भूपेंद्र हुड्डा विधायक बनने के बाद कभी हल्के के लोगों के सुख दुख में नहीं आए। अब लोगों को बरगराना चाहता है। परिस्थितियां जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में दोनों बाबू बेटों की हार हुई थी, अब की बार गढ़ी सांपला किलोई से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार निश्चित है। वे एक राष्ट्रीय पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, लेकिन लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, इसलिए लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अब लोग 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा और उनकी विजय निश्चित है। नॉमिनेशन हो गया उसका, उसको तसल्ली हो गई होगी कि कम से कम एक लड़ाई तो उसने जीत ली, कि टिकट भी मिल गई, नॉमिनेशन भी हो गया। हंगामा तो हुआ, और मैं नहीं कह रहा, खुद मेरा बड़ा भाई भूपेंद्र हुड्डा कह रहा है गुलाम नबी आजाद के साथ और अहमद पटेल जी के साथ खड़ा होगा। आप लोगों ने वायरल किया इसको नेशनल चैनल पर के 8 या 6, 14 भी हो सकती हैं, सुरजेवाला भी हारेगा, मैं नहीं कह रही है, वो कह रहा है। दूसरी तरफ उनके युवा बेटे संचित नांदल ने भी हल्के में डोर टू डोर जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का 75 पार का जो आंकड़ा है, उसमें सबसे पहली सीट गढ़ी सांपला किलोई के लोग भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। प्रचार के दौरान उन्हें बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों सभी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अब हम रामनवास गाँव में है, भरपूर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का जोश है, युवाओं का जोश इतना है कि अब की बार वो कलो हल्के में बदलाव चाहते हैं और अब की बार कलो हल्के में भी कमी चला कर सचिव जी, आप अपने फादर के लिए वोट मांग रहे हैं, कितना लोगों का सहयोग आपके साथ जुड़ा, कितना जनसंख्या? युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है और बुजुर्ग भी, आप जैसे कि देख रहे हैं बुजुर्ग हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हर हर घर जा रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। अब की बार लोग कलोई हल्के में बदलाव चाहते हैं और अब कोई शक नहीं है कि 21 तारीख को विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें भरपूर समर्थन देकर विजय बनाएंगे। रोहतक से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।